मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल का। और किस पे पढ़ रहे हैं हम लोग? मेटल पे, ठीक है, जो मेटल पे लगता है कोरोजन। राइट, बात किसी कर रहे हैं? मेटल की कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने कहा है कोरोजन तो टॉपिक्स आपका क्या है, अगर मैं सिल्वर की बात करूं, कॉपर की बात करूं, आयरन की बात करूं, ये तीनों मेटल है। राइट, मेटल हमने पढ़ ली थी, हार्ड होती है, कटनी होती, ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को, बेसिक्स हमने पढ़ लिया था। ये कह रहे हैं अगर मैं सिल्वर को एयर में छोड़ दूं फ्रीली, ठीक है, तो सिल्वर एयर की सल्फर से, जो एयर में सल्फर है उससे रिएक्ट करके ब्लैक कलर की कोटिंग बनाती है, ठीक है ना। कैसी कोटिंग बनाती है? ब्लैक। यानी कि अगर तुम सिल्वर को फ्रीली छोड़ दो तो ब्लैक कोटिंग जम जाएगी उस पर और वो बनाती है सिल्वर सल्फाइड। क्या बनाती है? Ag2S इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं है बुक में, घर देखेगा। Ag2S ये है वो पूरा का पूरा सिल्वर में क्या मिल गई? सल्फर। ब्लैक कलर की कोटिंग बन गई, यानी उसमें ब्लैक लेयर जो चढ़ी है वो सिल्वर सल्फाइड बोला। खैर, हम बात करें कॉपर की, नेक्स्ट मेटल। कॉपर ने क्या करा? कॉपर कैसे कलर का होता है? ब्राउन कलर का। जैसे ही मैंने इसको एयर में छोड़ा, इसने क्या करा? एयर की मॉइस्ट CO2 से, इससे हल्का सा मॉइस्चर था उसमें, ठीक है, CO2 में इसने इससे रिएक्शन करी और ये जो ब्राउन था ना, ब्राउन कलर का जो हमारा कॉपर था, ये कन्वर्ट हो गया किसमें? ग्रीन कलर की लेयर। राइट, किसमें कन्वर्ट हुआ? ये ग्रीन लेयर, ठीक है। यानी कि इसने क्या करा? कॉपर ने मॉइस्ट CO2 से रिएक्शन करी, इसका जो ब्राउन कलर था ओरिजिनल, ये ग्रीन कलर की लेयर में कन्वर्ट हो गया और इसको उन्होंने बोला कॉपर कार्बोनेट। ये जो ग्रीन कलर की लेयर है इसका फॉर्मूला, ये ब्लैक कलर की लेयर जो बनी है ये इसका फॉर्मूला, ठीक है। और ये हो क्या रहा है? हमने किस में कन्वर्ट करा इसको? एयर से हमने रिएक्ट कराया। देन उसने कहा है Fe की बात करी है, जो कि नॉर्मल हम आयरन बोलते हैं। इसको मैं अगर एयर में छोड़ दूंगा वही होगा, मॉइस्चर से रिएक्शन करेगा, इस पर क्या जम जाएगा? रेड कलर का रस्ट। राइट, रेड कलर की लेयर जम जाएगी, उसको बोलेंगे रस्ट। कैसे कलर की लेयर होती है? ब्राउन या रेड कलर की होती है, ठीक है, इसको बोला उन्होंने रस्ट। हुआ देखो, तीनों एक ही चीज से हो रहा, एयर से। हमने एक सिंपल सा प्रैक्टिकल, अब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। हम आपकी बुक में क्या दे रखा है? बेसिक्स दे रखा है भैया। तीन उन्होंने टेस्ट ट्यूब ली है, एक में उन्होंने हाफ उसे वो करके डिप कर दिया, ठीक है ना, नेल्स को, ठीक है, और एक में उन्होंने फुल डिप करा है और एक में उन्होंने क्या करा है? एक में उन्होंने एनहाइड्रोस, ठीक है, एनहाइड्रोस CaCl2 लिया है, ठीक है। किस फॉर्म में लिया उन्होंने? ग्रैनुल्स फॉर्म में। राइट, ग्रैनुल्स फॉर्म में लिया। अच्छा देखो उन्होंने करा क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से रखना। यहाँ पे एयर रखी है इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने क्या करा? ऑयल की लेयर वाटर पे रखी है जिससे कि एयर ना रहे, यहाँ पे इस वाली फॉर्म में एयर ना रहे। ये एयर प्रूफ हो गया, यहाँ पर तो एयर है बट यहाँ पे एयर नहीं जहाँ पे हमारी नेल्स है। देन इन्होंने क्या करा है? CaCl2 लिया, ठीक है, इस प्रैक्टिकल में, ठीक है, हमने यहाँ पे एयर छोड़ी, ठीक है, हल्की सी एयर छोड़ी और नेल्स को हमने वाटर में डिप कर दिया मिड फॉर्म तक, ठीक है ना, 50% नेल्स। देन हमने सेकंड वाली टेस्ट ट्यूब में क्या करा? यहाँ पर एयर है बट बीच में ऑयल लेवल बनाया। देन हमने वाटर को बॉयल डिस्टिल वाटर बोला, हमने डिस्टिल वाटर को बॉयल करा और उसमें से ऑक्सीजन निकाल दी। राइट, जो एयर में ऑक्सीजन होती है। देन थर्ड वाले में हमने क्या करा? मॉइस्ट एयर में से, कौन सी एयर में से? मॉइस्ट एयर में से CaCl2 ने क्या करा? मॉइस्चर निकाल लिया और हमारे पास क्या बची? ड्राई एयर। यहाँ पे बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है एयर में, नेल्स इसके ऊपर है, CaCl2 के बबल्स एयर है, ठीक है ना, ग्रैनुल्स फॉर्म एरी। इस CaCl2 ने क्या करा? ड्राइंग एजेंट की तरह इसने काम करा, ठीक है, ड्राइंग एजेंट, इसने ड्राई कर दिया। इसको ड्राई कर दिया एयर को, मॉइस्चर जो उसके अंदर थी। तो तीनों प्रैक्टिकल में देखो हमने क्या सीखा, इस एयर ने इसके ऊपर रस लगा दिया, रस्टी आयरन नेल्स बोल दिया। एयर का जो मॉइस्चर था Fe, जो आयरन है ना, आयरन का मतलब Fe की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं Fe, थर्ड वाले प्रोसेस। ब्राउन कलर की एक लेयर लगा दी, उसको बोला रस्टी। देन इसमें ऑयल ने क्या करा? एयर टाइट कर दिया, एयर को अलग कर दिया, लिक्विड को अलग कर दिया और इस बॉइल्ड एयर से हमने एयर निकाल दी लिक्विड से, तो यहाँ पे क्या हुआ? कोई इसमें रस्ट नहीं लगा। देन ये एयर ड्राई थी, मॉइस्चर के अंदर था नहीं, CaCl2 ने सारा मॉइस्चर सोख लिया था या एब्जॉर्ब कर लिया था,
यहाँ पे भी रस नहीं लगा, तो रस किस में लगा, इसमें, इन दोनों में रस नहीं लगा। इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने ये सीखा कि अगर हमें कोरोजन से प्रिवेंशन करना है, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा एजी भी खराब ना हो, कॉपर भी मोस्ट ना हो, ठीक है ना, ब्राउन कलर की लेयर ग्रीन कलर की लेयर में चेंज ना हो, यानी कि कॉपर से क्या बनना था, CuCO3 ना बने, Ag2S ना बने, और आयरन भी नॉर्मल फॉर्म में रहे, रस्ट ना लगे, तो हमें स्पेक्टिकल से पता लगा है कि प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। इन तीनों प्रैक्टिकलों ने हमें ये समझाया या ये लर्न कराया कि अगर हमें प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन करना है विद मेटल तो कैसे करना है। इसमें एयर थी, इसमें रस लग गया, इसमें एयर नहीं थी, इसमें रस नहीं लगा, ठीक है। अब इसमें ड्राई एयर, हमने मॉइस्ट एयर को क्या करा, ड्राई एयर पे कन्वर्ट कर दिया, तब इसमें भी रस नहीं लगा। अब हुआ क्या, हमें पता लग गया कि हम किस किस तरीके से रस्ट से या फिर कोरोजन से अपनी मेटल को सेफ रख सकते हैं। सबसे पहले आया पेंटिंग, ऑयलिंग और ग्रीसिंग। देखो ये पूरी की पूरी तीनों का तीनों प्रोसेस में क्या कॉमन है, ऑयल, है ना। पेंट करते हैं उसमें भी ऑयल होता है, ऑयल करते हैं तो उसमें ऑयल, ग्रीसिंग में भी ऑयल होता है, ऑयली सरफेस होती है इनकी, यहाँ पे तो ऑयल हो गया। इसमें से एनोडाइजिंग हमने पढ़ा है पहले भी, ठीक है, एलॉयज भी हम थोड़े बहुत जानते हैं। हम पढ़ेंगे गैल्वेनाइजेशन के बारे में। गैल्वेनाइज को क्या करते हैं, लिक्विड फॉर्म में जिंक लेते हैं, क्या लेते हैं, जिंक, ZN, क्या बोल रहे इसको, ZN। उन्होंने आयरन की यानी कि Fe को इसमें डिप कर देते हैं और इसके ऊपर जिंक की एक लेयर चढ़ जाती है आयरन के ऊपर, क्या बोला उन्होंने, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजिंग की प्रक्रिया को या गैल्वेनाइजिंग के उसको हमने टर्म्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया, गैल्वेनाइजेशन में। हमने जिंक लिक्विड को बनाया, लिक्विड फॉर्म में बनाया जिंक को, और उसके ऊपर आयरन को टिप कर दिया, जिस भी आयरन को हमें रस्ट से सेफ रखना है उसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ गई जिंक की, ठीक है, उसको बोला गैल्वेनाइजेशन। बस एनोडाइजिंग तुमने पढ़ा है, हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करा था, एनोड पे हमने एल्यूमिनियम ले ली थी और कैथोड पे हमने वो मड ले लिया था, है ना, तो एनोडाइजिंग भी हमने पढ़ लिया। अब अगले तुम्हारे चैप्टर में आया है एलॉय, एलॉयिंग, क्या बोला है उन्होंने उसको, एलॉयिंग करना, देखो, ठीक है, एलॉयिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है कोरोजन के बाद, या कोरोजन में ही कह लो, कोरोजन में इन्होंने एलॉयिंग, एलॉयिंग है क्या, देखो एलॉयिंग में हमने क्या करा, हमें दो फायदे हुए एलॉयिंग में। पहला फायदा हमने लिया, पहला प्रॉफिट हमने आयरन की फॉर्म में लिया। देखो नॉर्मली आयरन जो होता है ना Fe, ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है, क्या होता है, अगर मैं इससे कोई तुम्हारे आर्नामेंट बनाऊं या फिर कोई भी, ठीक है ना, तो ये नॉर्मल फॉर्म में सॉफ्ट होता है, ये मेल्ट हो जाएगा हीट करके, तो इसमें मैं क्या करता हूँ 0.05% कार्बन मिला देता हूँ, इससे क्या हो जाता है, कार्बन मिलाने से ये सब्सटेंस हार्ड हो जाएगा और इसको मैं एज यू शेप में ढाल सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो हमेशा ध्यान रखना जो नेचुरल फॉर्म होगी आयरन की वो हमेशा सॉफ्ट होगी, राइट। तो मैंने क्या करा, इसमें कार्बन मिला दिया, ठीक है, कार्बन ने क्या करा, उस आयरन को हार्ड बना दिया। अब मैं उसे हीट कर रहा हूं तो वो मेल्ट तो हो रहा है लेकिन वो एज यू विश फॉर्म में आ रहा है जैसे मैं चाह रहा हूं। तो किसकी वजह से हुआ, इन दोनों को मिक्स करा, इसी को बोला, इस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को क्या बोला इन्होंने, इसमें इसको मिक्स करने में, इसको बोला इन्होंने एलॉय, एलॉयिंग, ये है वो प्रोसेस, ठीक है, ये प्रोसेस था वो, राइट, समझ में आ गया। हमने आयरन में कार्बन मिला दिया, ठीक है, उससे वो हार्ड सब्सटेंस बन गया, हम एज यू विश बना सकते हैं। और उससे एक फायदा और हुआ है, ठीक है, अगर मैं नाइक्रोम क्रोमियम, ठीक है, और Fe, इनका एक एलॉय बना दूं जिसको मैंने क्या बोला, नाइक्रोम वायर, अगर मैं इसके सॉल्यूशन में या फिर इसके मेल्ट में, इसको मेल्ट करके आयरन को, उसमें क्रोमियम और निकल मिला दूं तो उसको नाइक्रोम बोलेंगे, राइट। तो नाइक्रोम ने क्या करा, जब मैंने इसका, इसको पूरे प्रोसेस को क्या बोला, एलॉइंग, एलॉइंग, बस इस एलॉइंग से जो ये नई नई वाली मेटल बनी है ना, ये उसको बोलेंगे एलॉय मेटल, क्या बोलेंगे, एलॉय मेटल। और ये देती हमें स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, क्या दिया इसने हमें, स्टेनलेस स्टील, ठीक है। इस स्टेनलेस स्टील का क्या फायदा है, इस पे रस्ट नहीं लगता है, क्या नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या करा, एलॉय बना दिया, उसने हमें बताया ना प्रिवेंशन में कि एलॉय बना दो, उससे भी रस नहीं लगेगा, हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, ठीक है, ये था एलॉय।
हमने एलोइन के बारे में पढ़ना है, क्योंकि एलोइन क्या कर रहा है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन कर रहा है। अगर मुझे पता लग गया कि भैया मैंने क्या करा, अगर एलोइन बना दिया किसी मेटल का, तो उससे दो फायदे मेरे हो जाएंगे, एक तो वो सॉफ्ट से हार्ड हो जाएगा, दूसरा मेरा प्रॉफिट क्या होगा मेटल में, उस पर कोरोजन नहीं आएगा, राइट, वो रिएक्ट नहीं करेगा विद एयर। बस हमने गोल्ड लिया, गोल्ड का सिंबल होता है AU, हमें पता है अगर 22 कैरेट की बात मैं करूँ तो ये जो गोल्ड है ये सॉफ्ट होता है ना, सेम आयरन की तरह, जैसे हमने आयरन में पढ़ा। मैं इसमें क्या करूँगा, इसके 22 पार्ट में 2 पार्ट क्या मिला दूंगा, कॉपर, ठीक है, ठीक है, कॉपर और या फिर AG, दोनों में से कोई भी मिला दूंगा। ये सॉफ्ट वाला जो पार्ट है ना, ये वाला 22 कैरेट का, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 24 कैरेट में, राइट। क्या बोलूंगा इस टोटल को, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ, थोड़ा सा हार्ड हो गया पहले से, और मैं इसको एज ए विच शेप में डाल सकता हूँ, आर्नामेंट से ज्वेल बनाने। यही 24 कैरेट आप परचेज करते हो मार्केट से, एग मार्क जो वो कहते हैं, YSI एग मार्क है ना, 24 कैरेट। यानी कि अगर वो 24 की बात करता है इंडिया में, तो उसमें दो पार्ट किसका है, कॉपर या सिल्वर का, और 22 पार्ट है उसमें गोल्ड का, प्योर गोल्ड। बट प्योर गोल्ड क्या है, सॉफ्ट होता है, तो हमने 2 पार्ट उसमें उसे हार्ड बनाने के लिए, ठीक है, 24 कैरेट कॉपर या सिल्वर मिला, तो 24 कैरेट बन गया। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला, राइट, ये पूरा का पूरा प्रोसेस अगर बोर्ड में आया कि एलोइन को विद एग्जांपल लिखो, तो सबसे बड़ा एग्जांपल है ये लिख के आना है। और अगर से दो एग्जांपल बोले तो नेक्स्ट में देखते हैं। अभी पहला एग्जांपल आयरन वाला भी लिख सकते हो, कार्बन मिलाया 0.05, दो एग्जांपल हो गए। और अभी हम एलोइन को और देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एलोइन, ठीक है। अब हम कॉपर के अलॉय की बात करेंगे, अदर मेटल, राइट, मेटल की बात कर रहे हैं, सारे मेटल है, ध्यान रखना, ठीक है। हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन की, राइट। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन ने हमें क्या बताया कि भैया अगर आप एलॉय बना देते हो किसी मेटल का, तो उससे हमें दो फायदे हो रहे हैं, हार्ड हो रही है और वो क्या कर रहा है, उसमें कोरोजन नहीं हो रहा है, राइट। हमें यहाँ पे एक फायदा और पता लगा है कि भैया अगर मैं कॉपर का एलॉय से हम पता लगाएंगे, हमने कॉपर में जिंक मिला दिया, उससे क्या बना, ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रास, जिससे हाउस होल्ड वेसल्स वगैरह बनते हैं। हमने कॉपर में टिन मिला दी, ये क्या है, टिन, ठीक है, टिन, टिन मिला दी हमने, उससे ब्रॉन्ज मिला। तुम्हारे जो ब्रॉन्ज मेडल मिलते हैं ना ओलंपिक में, वो इसी से बनते हैं, कॉपर और टिन से, याद रखना, ठीक है। तीन मेडल मिलते हैं, सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, राइट। और हमने इन तीनों मेडलों के बारे में पढ़ा, इसमें ध्यान रखना, मेटल में बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है सारी। AU गोल्ड का हो गया, कॉपर का सिंबल CU हो गया, और सिल्वर का सिंबल क्या था, देखो AG, तीनों आ गए, आ गए ना, इसीलिए ओलंपिक में हाईली जो वो होती हैं मेटल, ठीक है ना, वो देते हैं कॉस्टली मेटल जो होती हैं, ये कॉस्टली मेटल में आते हैं सारे। तो ये शो करता है कि भाई आप एक अच्छे खिलाड़ी हो, आप एक अच्छे एथलीट हो, तो आपको हम लोग अप्रिशिएट करेंगे इस मेडल से। तो तीनों मेडल आ गए, गोल्ड भी आ गया, सिल्वर भी आ गया, कॉपर भी, ब्रॉन्ज मेडल भी आ गया। हमने एलॉय बना दिया कॉपर का, कॉपर के एलॉय में हमने क्या मिलाया, टिन। अब ये लोग कह रहे हैं जो एलॉय होता है ना, एलॉय होती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट और कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी लो होती है, ठीक है, क्या होती है, लो, ये लो है, ठीक है। यानी कि मेल्ट लो होगा और कंडक्टिविटी भी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी उसकी लो होगी एलॉय की, ध्यान रखना किसकी, जब एलॉय बन रहा है, ये बन रहा है एलॉय। लेकिन अगर मैं सिंगल फॉर्म में यूज करूं तो सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर होता है, 3 इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा दिखता होता है, फिर कॉपर आता है, फिर मतलब ये तीनों के तीनों जितने भी मेटल फॉर्म में रहेंगे ना, प्योर फॉर्म में, तो कंडक्टिविटी हाई होते हैं। बट मैं इसका क्या करूंगा, एलॉय बना दूंगा, तो एलॉय में क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और कंडक्टिविटी लो हो जाएंगे। उस टेक्निक में हमने लेड के साथ क्या मिला दिया, टिन, क्या बन, होल्डर, बस, ठीक है, ये एक मेटल बन गई एलॉय मेटल। इसको हमने सोल्डरिंग में यूज करा। सोल्डरिंग क्या होती है मैं बता देता हूँ। देखो सोल्डर, तुम लोग ने देखा होगा मेटल को जोड़ते हैं, यानी ऐड करते हैं एक दूसरे से, उसको बोलते हैं वेल्डिंग करना, है ना। जैसे फोन में देखा होगा तुमने, मेल्ट करके वो सोल्डर आयरन से उसे टच कर देते हैं, उसी को बोला उन्होंने सोल्डरिंग। क्या बोला,
सोल्डर यूज होता है सोल्डरिंग में, ठीक है ना, ये मेटल को ऐड कर देते हैं। और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा है, लो है। कंडक्टिविटी कैसी है, लो है। केवल ये मेटल को ऐड करने के लिए, जैसे मोबाइल का जैक जोड़ते हैं, किससे जोड़ते हैं, वो सोल्डर से जोड़ते हैं, ये टाका लगा दो सोल्डर से, वायर को कनेक्ट कर दिया मदरबोर्ड में, तो किससे क्या कनेक्ट हुआ, मेटल से मेटल कनेक्ट हुई, सोल्डर से कनेक्ट हुआ, ये क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या था, लो था, कंडक्टिविटी लो थी। केवल जोड़ने ऐड करने के लिए, सोल्डर करने के लिए मैंने यूज करा एलॉय को, किसको यूज करा, ठीक है ना। और हमें अब देखो लास्ट एंड नॉट लीस्ट, हमें क्या क्या प्रॉफिट हुआ है इस पूरे प्रोसेस, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन से हमने एलॉय बनाए, क्या बनाए, एलॉय बनाए। एलॉय ने हमें क्या बताया, एक तो सब्सटेंस हमारा कैसे हो गया, हार्ड, राइट। दूसरा क्या फायदा हुआ हमें, क्या प्रॉफिट हुआ इससे, हम इसे किसी भी शेप में, एनी शेप, ठीक है, किसी भी शेप में हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। थर्ड हमारा क्या हुआ प्रॉफिट, थर्ड प्रॉफिट हुआ है रस्ट, क्रोजन नहीं लग रहा है ना, क्रोजन नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, यानी कि हमारी जो मेटल है वो रिएक्ट नहीं कर रही है, ठीक है ना, सेफ हो रही है ना। फोर्थ हमारा क्या प्रॉफिट हुआ है, हमने क्या देखो, ये सोल्डर बन गया, एलॉय से बन गया, ब्रॉन्ज मेटल मिल गया, ठीक है ना। हमें ऐसी ऐसी मेटल मिल, एलॉय मेटल मिल रही है, एलॉय, एलॉय मेटल, ठीक है ना। तो कुल मिला के एलॉय बहुत इंपॉर्टेंट है, एलॉइंग से बोला है हमारे में। लास्ट में क्वेश्चन भी है देखो कि एलॉइंग को डिफाइन करो, क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन, हाँ ठीक है ना, व्हाट आर एलॉय, क्वेश्चन में आता है, तो यही है वो एलॉय। देखो तुम्हें क्या करके आना है वहां पे बोर्ड में, तुम्हें ये एग्जांपल लेके आना, ये एलॉय है, 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 राइट। बस एक तुम्हारे में बहुत इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, महरौली का आयरन पिलर, राइट, महरौली आयरन पिलर है ना, ये है महरौली आयरन पिलर है ना, ये दिल्ली में है, राइट। इन्होंने क्या करा है, 1600 इयर्स पहले की बात कर रहे हैं ये, यानी हिस्टोरिकल चीजों की बात कर रहे हैं, महरौली के आयरन पिलर को उन्होंने बताया, इसमें अभी तक रस्ट नहीं आया, इसकी बात कर रहे हैं एफी की, किसकी, एफी से बनाइए आयरन आ गया, इसमें रस्ट नहीं लगाया अभी तक, तो बताओ बच्चों कि इसमें ऐसा क्या करा हुआ इन्होंने, क्या करा हुआ पता है, बताऊं, इन्होंने आयरन में क्या मिला, स्टेनलेस स्टील बनाया आयरन से, जिसमें क्या है, स्टेनलेस में रस्ट नहीं लगता, और स्टेनलेस स्टील को क्या बोला था हमने, नाइक्रोम, निकिल मिला हुआ था प्लस क्रोमियम मिला हुआ था प्लस एफी था, उससे हमने स्टेनलेस स्टील बनाया था, तो मे बी हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, इन्होंने नाइक्रोम यूज करा जिससे उसमें रस्ट नहीं लग रहा, और वो देख लो एनवायरमेंट में ऐसी है, हम बात कर रहे थे एयर में ओपन भी रखने की, वो उसमें रस्ट नहीं लगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल है तुम्हारे हिस्ट्री का।